प्रकृति की हर एक चीज हमारे लिए बेहतरीन शिक्षक है। वो हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, जितना हम किताबों में कभी नहीं सीख पाते। बेहद खूबसूरत इस हाईवे का नज़ारा देखते हुए और साथ में इस बेहतरीन गाने का मज़ा लेते हुए सुनते सुनते हम निकल पड़े हैं हमारी डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों, आज का हमारा डेस्टिनेशन है एक ऐसा प्लेस जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वो एक नई जगह है जिसका नाम है खड़किया टेकरी, या फिर उसको खड़किया डूंगर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेस है जो वासदा में आया हुआ है। दोस्तों, सूरत से अगर मैं बात करूँ तो उसका जो डिस्टेंस है वो है 96 किलोमीटर, और अगर मैं नवसारी से बात करूं तो उसका जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर, और अगर आप व्यारा से आ रहे हो तो आपको वो पड़ता है 50 किलोमीटर। और दोस्तों, वासदा के वो काफ़ी करीब है, वहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 4.4 किलोमीटर, और पास में ही एक जूझ डैम आया हुआ है जहाँ से उसका डिस्टेंस पड़ता है सिर्फ 4 किलोमीटर। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस बेहद खूबसूरत जगह को और एक्सप्लोर करते हैं एक नए प्लेस को। तो दोस्तों, हमारी मंजिल बहुत ही करीब आ चुकी है, और ये जो सामने रास्ता दिख रहा है वो खड़किया डूंगर के ऊपर चढ़ाई हो रही है। सामने जो कार जा रही है वो उस पर काजू के पेड़ है, तो काफ़ी सारे फिसलन्स की वजह से कार हमें यहाँ पर ही पार्क करनी पड़ेगी और आगे हम चलकर जाएंगे। वैसे तो उसकी हाइट जो है वो काफ़ी कम है, पर रास्ता खराब होने की वजह से काफ़ी समय
चुका है। दोस्तों ये जो जगह है वो अभी अभी डेवलप हो रही है और डेवलप होने की वजह से यहाँ पर कोई अभी तक आया नहीं है और इसी वजह से ये जगह एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आइए वो गेट से चलते हैं अंदर और यहाँ पर मुझे ये एक मंदिर देखने को मिल रहा है और आगे चल के देखते हैं किस तरह का नज़ारा होने वाला है। और ये जो गेट है वो लकड़े से बनाया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और आगे देखते हैं दोस्तों, वाव ये एक बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा मंदिर डेवलप हो रहा है। और साइड से ये जो एटमॉस्फियर है वो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। ऊपर जो वाइट वाइट बादल और नीचे ये धरती और दूर दूर तक ये जो पहाड़ मुझे दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा। वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। पानी गिरने की वजह से यहाँ पर गीला हो चुका है और यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए भी कुछ बनाया गया है। चलने के लिए यहाँ पर पगडंडियाँ बनाई गई है और काफ़ी अच्छा प्लेस। थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और चलते चलते अच्छा महसूस हो रहा है। दोस्तों बढ़िया जगह है, डेवलप होने के बाद और भी अच्छी लगेगी। यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। तो दोस्तों आइए इस बेहद खूबसूरत एटमॉस्फेयर का मैं थोड़ा सा आनंद लेता हूँ और तब तक आप देखिए उसकी कुछ बेहद खूबसूरत झलक। को दीवाना बनाती गजब की खूबसूरती, कानों में आकर कुछ कहती ठंडी हवाएं, जहां तक नजर आती वहां तक मुस्कुराती हुई ये चोटियां बहुत ही बेहद खूबसूरत लग रही है। दोस्तों हर हिल स्टेशन की अपनी एक अलग पहचान होती है। अगर खुद से मुलाकात करनी हो, अपनों के साथ सबसे यादगार वक्त गुजारना हो तो इस खड़किया टेकड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों ये खड़किया टेकरी अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है, यहाँ पर बहुत ही कम पब्लिक आ रही है, लेकिन इस वीडियो के देखकर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक दिन का पिकनिक हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है तो आप इस जगह पे आ सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आइए हम सब मिलके प्रकृति की रक्षा करें, उनकी जतन करें। और एक खास बात, पीछे मेरे दोस्त है, सब लोगों ने चैनल सब्सक्राइब की है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, आप एक बार सुन लीजिए उसकी बात। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।